डोडा के निवासियों के लिए एक बेहतरीन खबर, देश के नंबर वन डिटर्जेंट पाउडर घड़ी डिटर्जेंट की डीलरशिप अब उपलब्ध है आपके अपने शहर डोडा के केबी सुपरमार्ट वन स्टॉप शॉप नियर स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में। तो बिना देर किए अभी अपने नजदीकी केबी सुपरमार्ट वन स्टॉप शॉप में जाकर ले आइए घड़ी डिटर्जेंट और खुद फर्क महसूस कीजिए। आपके विश्वास ने ही बनाया है घड़ी को देश का नंबर वन डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुकार न्यूज, मैं हूं मीनू शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज के खास समाचार पर। 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अभियान के दूसरे दिन डीडीसी ने वाकथान कम जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। माई फैमिली माई केयर सड़क दुर्घटनाओं को शून्य करने के लिए एकल मंत्र है। पिछले वर्ष में दर्ज आकस्मिक मौतों में 69% की गिरावट हुई है। डीडीसी ने सदा सुरक्षा जीवन रक्षा विषय के तहत एक वाकथान को हरी झंडी दिखाई, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, ड्राइवरों, पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन और एमवीडी के अधिकारियों ने भाग लिया। सड़क सुरक्षा वाकथॉन डीसी कार्यालय डोडा से शुरू हुआ और डाक बंगला के पास टीआरसी पर समाप्त हुआ। लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी को कवर किया गया। डीडीसी ने सभी हितधारकों से यात्रा के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपायों और यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्हें सड़क सुरक्षा अभियान के राजदूत के रूप में पूछा, ताकि विभिन्न यातायात नियमों मापदंडों के बारे में जागरूकता के अलावा चल रहे सड़क सुरक्षा माह के उद्देश्य जिले के प्रत्येक कोने में प्राथमिकता के आधार पर पहुंचे। इससे पहले सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कुलदीप सिंह ने डीडीसी और अन्य मेहमानों का स्वागत करते हुए सड़क सुरक्षा माह के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों, बाइक रैलियों, सिंपोजियम, वाकथन रैलियों आदि के स्वास्थ्य परीक्षण जैसे विभिन्न कार्यक्रम महीने भर के अभियान के दौरान तहसील स्तर, सब डिवीजन स्तर पर सभी स्तरों जैसे कि समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अन्य लोगों में एडीसी डोडा किशोरी लाल शर्मा, एसपी संचालन, एएसडी डोडा प्रेम सिंह चिब, सीपीओ डोडा परशोत्तम कुमार, जिला कौशल्य अधिकारी एक्सएनपीएम जीएसवाई डोडा, डीआईएसपी ट्रैफिक पंकज सुदन, डीआईओ डोडा मोहम्मद अशरफ वानी, डीएसडब्ल्यूओ जुबैर अहमद लोन, ईओ एमसी डोडा के अलावा अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। ज्यादा जानकारी के लिए आइए नजर डालते हैं डोडा से हमारे संवाददाता परवेज भट्ट की इस रिपोर्ट पर। सबसे पहले आप नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम जसप्रीत सिंह, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एआरटीओ ऑफिस डोडा से। सर, आज जो आपका सेकंड डे जो था आपका रोड सेफ्टी मंथ का, तो कल आपने मेडिकल कैंप जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, तो आज किस तरह से आपने जो रैली का जो अवेयरनेस की, किस तरह से आपने लोगों को यहाँ से मैसेज दिया? यहाँ पे हमने एक रैली निकाली आज हमारा दूसरा दिन का रोड सेफ्टी मंथ का। रैली जो है डीडीसी डोडा ने फ्लैग ऑफ की डीसी ऑफिस से, तो ये पूरे सिटी में घूमते हुए लास्ट में इसका जो एंड था यहाँ पे हुआ टीआरसी ऑफिस डोडा में। सर, आज हमने इसमें स्कूल्स के कुछ स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया, इस इन्वॉल्व करने का मतलब मकसद कुछ? इसका हमारा इन्वॉल्वमेंट का एक ही मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स जो है यूथ है हमारे नेशन का, तो ये घर में जाके ये मैसेज देंगे अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, सभी को ये मैसेज देंगे कि जब भी आप रोड पे चलें तो किन किन चीज़ों का हमें प्रिकॉशन लेना है, रोड सेफ्टी का खास ध्यान रखना है। जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, टू व्हीलर चलाएं हेलमेट का इस्तेमाल करें, और जो फिलो ड्राइवर हो बाइक्स पे उनका भी इस हेलमेट का इस्तेमाल करना जरूरी है। सर, यहाँ पे जो हमारी यंग जनरेशन की बात करें तो रैश ड्राइविंग या बाइकर्स की बात करें, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा उनके लिए यही मैसेज है और उनके पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि जब भी वो टीनेजर जो है उनको फिलहाल बाइक देनी ही नहीं, ये एक ऑफेंस है। 18 साल से कम जो भी बच्चा है उसके लिए बाइक चलानी या फोर व्हीलर चलाना एक ऑफेंस है। तो अगर कोई 18 साल से ऊपर बाइक चलाता है तो पेरेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि उनको समझाएं, रैश ड्राइविंग ना करें, हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें, सीट बेल्ट का यूज़ करें और रैश ड्राइविंग बिल्कुल भी ना करें, वो उनके लिए भी हानिकारक है और जो पैदल मार्ग चलते हैं उनके लिए भी काफ़ी डेंजरस है। थैंक यू सर।